एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं जो जॉब ओपनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डोमेन से रिलेटेड। सो आप में से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएटेड हैं वो सब इस जॉब ओपनिंग के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे इसको अप्लाई करना है। अब हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो यहाँ जो जॉब पोजीशन है वो है एसोसिएट इंजीनियर का पोजीशन है। जॉब लोकेशन है बेंगलुरु कर्नाटका एंड जो कंपनी है वो है कॉलिंस एरोस्पेस। तो कॉलिंस एरोस्पेस दोस्तों जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, एरोस्पेस एंड डिफेंस की कंपनी है ये। तो जॉब ये फुल टाइम जॉब है ये। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको बीई, बीटेक या फिर एमटेक इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए ज़रूरी। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, एमटेक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं विद गुड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड ऑल दीज थिंग्स। देन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड एनालिसिस एंड देन सिस्टम टेस्टिंग। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। अब चलते हैं देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको साइन इन के लिए ये डिटेल्स मांग रहा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, देन आपको पासवर्ड सेट करना है, वेरीफाई करना है पासवर्ड एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है येस आई हैव रीड एंड कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप आ जाएंगे इस पेज पे जिस पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस। यू कैन सेलेक्ट इंटरनेट जॉब सर्च एंड देन यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहेगा। देन आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना है। नेम के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है, जिस सिटी में आप रहते हैं वो फिल कर दीजिए। देन उसके बाद आपका पिन कोड, पोस्टल कोड मतलब पिन कोड रहेगा एंड उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो उस टाइम भी आपने फिल किया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे फ़ोन डिवाइस टाइप, तो आपका फ़ोन मोबाइल आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे माय एक्सपीरियंस के पेज पर और यहाँ पर आपको ये पूछेंगे कि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है। दिस इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड फील्ड बट अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है और उसके बाद आपको स्किल्स ऐड करनी है। स्किल्स आप वो ऐड कर सकते हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और साथ ही साथ आपको कोई भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अगर तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन उस सब के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, वो है एप्लीकेशन क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे नो फिल कर देना है, देन यहाँ पे भी आपको नो फिल कर देना है, देन आपको यहाँ पे येस करना है। देन आर यू सब्जेक्ट टू एनी लीगल और रेगुलेटरी एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे आपको नो कर देना है। देन यहाँ पे भी आपको नो कर देना है एंड देन यहाँ पे भी आपको नो कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे भी नो कर देना है एंड यस। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा जो पेज ओपन होगा वो है वॉलंटरी डिस्क्लोजर। यहाँ पे आपको जस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यू आर एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है येस पे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है और उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है।
तो ये थी आज की जॉब ओपनिंग। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई है जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब की ज़रूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मिलकर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। तो वी कैन डू इट। सो तब तक के लिए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो। तो वी कैन बीट द अनएम्प्लॉयमेंट, सो लेट्स बीट अनएम्प्लॉयमेंट।